हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इलेक्ट्रॉनिक। बढ़तों का ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और टीवी के टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप ओलेड और क्यूलेड के बारे में तो सुने ही होंगे। तो कैसी इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ सैमसंग के टी सीरीज का क्यूएलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर है Q60T। इस वीडियो में करेंगे इस क्यूएलईडी टीवी का अनबॉक्सिंग, देखेंगे स्विच बॉक्स कॉन्टेंट और ये देखेंगे ऐसे क्या फीचर्स हैं जो एक क्यूएलईडी टीवी को एक नॉर्मल एलईडी टीवी से अलग करते हैं। इससे पहले कि हम अनबॉक्सिंग करें, चलिए जान लेते हैं ये क्यूएलईडी क्या होता है। क्यूएलईडी टीवी का क्यू क्वांटम डॉट से आता है। क्वांटम डॉट एक सेमीकंडक्टर होता है जिसके साइज को कंट्रोल करके प्रिसाइज कलर आउटपुट पाया जा सकता है। बेसिकली जो एक क्यूएलईडी टीवी होता है वो एक पुराने एलसीडी टीवी की तरह काम करता है। इसमें एक क्वांटम डॉट मटेरियल का लेयर होता है जो कि आप बैक लाइट को आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपको मिलता है 100% कलर वॉल्यूम, ज्यादा ब्राइटनेस। तो नॉर्मल एलईडी में जो बैकलाइट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो ब्राइटनेस बढ़ाने से जो कलर आउटपुट आता है वो थोड़ा व्हाइटिश आता है। लेकिन क्यूएलईडी में जो बैकलाइट आता है उसको रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा कलर देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छा ब्लैक्स और काफी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, दिस तो हो गई ज्ञान की बात, चलिए फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं इस एलईडी टीवी को। तो गाइस, अनबॉक्सिंग तो हो गया, काफी भारी था ये एलईडी टीवी, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट। तो गाइस, अगर इसके बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये ब्रांडिंग वाला स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी मोटा है, काफी सारे पेजेस आप पढ़ सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आपको एक क्विक सेटअप गाइड भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ बॉक्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे वायरिंग को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ क्लिप्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको काफी स्लिक से रिमोट देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस बॉक्स में आपको अंदर सेल भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस, अगर इसके रिमोट की बात करें तो इसका रिमोट काफी स्लीक है और काफी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। वैसे तो ये प्लास्टिक का है लेकिन हाई ग्रेड प्रीमियम प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे है तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको एम्बिएंट मोड का बटन देखने को मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको नंबर का बटन देखने को मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा नीचे आए यहाँ पे आपको अप डाउन राइट लेफ्ट और ओके का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ नीचे आपको बैक होम प्ले पॉज का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम और चैनल प्लस माइनस का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जी फाइव का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए फटाफट ले लेते हैं इसी एलईडी टीवी का फिजिकल ओवरव्यू। तो गाइस, अगर हम इसके बेजल्स की बात करें तो इसमें आपको थ्री साइड बेजललेस डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। साइड के बेजल्स आपको काफी पतले देखने के लिए मिल जाएंगे और नीचे का बेजल भी काफी पतला ही है। तो गाइस, आपको नीचे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के दो प्लास्टिक स्टैंड देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको सामने में सैमसंग का लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये एलईडी भी काफ़ी पतला है। और अगर हम पीछे चले पे आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, दो एचडीएमआई पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और एक एंटीना पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक और एचडीएमआई का पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, एक लैन का पोर्ट है, टीवी के पोर्ट है और यहाँ पे आपको एक डिजिटल ऑप्टिकल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो गाइस, आगे चलते हैं, सेटअप करते हैं इस एलईडी टीवी को। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी के कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में। तो इसमें मिल जाता है आपको थ्री साइड बेजललेस डिजाइन जो कि काफी अच्छा लगता है। इसके बेजल आपको काफी पतले देखने के लिए मिल जाएंगे और काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इस टीवी में आपको डुअल एलईडी बैकलाइट देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल में लेके जाता है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये टीवी आपको एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट देता है, जिससे कि आपको काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट अपने इमेजेस में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप गेमिंग के शौकीन है तो इसमें दिया हुआ है रियल गेम एनहांसर का सपोर्ट, जिससे कि आपको काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं एलईडी टीवी और फीचर्स की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है क्वांटम लाइट प्रोसेसर जो कि आपको काफी अच्छा कलर आउटपुट देता है। तो कैसे एलईडी टीवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है इसका पिक्चर क्वालिटी। एलईडी टीवी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मिलियंस ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स है जो कि आपके बैक लाइट को आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपको 100% कलर वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है। 100% कलर वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि एलईडी टीवी इतने कलर प्रोड्यूस कर सकता है जितने कि हमारे यहाँ देख सकता है। तो गाइस, हर एक कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो ये एलईडी टीवी आपको वो सारे सेट दिखा सकता है जो कि एक कलर के होते हैं, जो वाकई में बहुत अमेजिंग है। तो गाइस, हर एक एलईडी टीवी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का बैक लाइट होता है और अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कुछ कलर्स को ब्लॉक करना पड़ता है। तो गाइस, मान लीजिए अगर आपको रेड कलर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको ब्लू और ग्रीन कलर को ब्लॉक करना पड़ेगा, जिससे कि आपके ओवरऑल ब्राइटनेस बहुत कम हो जाता है। तो गाइस, इस एलईडी में दो बैकलाइट लगा हुआ है, वार्मर
टेम्परेचर का बैकलाइट है जो कि येलोइश शेड प्रोड्यूस करता है, और एक कूलर टेम्परेचर का बैकलाइट है जो कि ब्लूइश शेड प्रोड्यूस करता है। तो इस एलईडी में एक पर्टिकुलर कलर को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी लाइट ब्लॉक नहीं किया जाता, बस इसके बैकलाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी पंची और ब्राइट कलर्स मिलते हैं। तो गाइस, अगर हम ब्राइट कलर्स की बात कर रहे हैं तो इस टीवी में आपको मिल जाता है क्वांटम एचडीआर का सपोर्ट, और ये टीवी एचडीआर 10 प्लस भी सर्टिफाइड है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम इस टीवी के कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो इस टीवी में आपको 7000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, जितना ज़्यादा आपके टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपका टीवी लाइट कलर्स और डार्क कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो गाइस, इस टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो 7000:1 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इससे कि आपको काफ़ी अच्छे ब्लैक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जो मूवीज़ के डार्क सीन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और काफ़ी अच्छे कलर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरली क्या होता है, जो डार्क सीन्स होते हैं उसमें जो क्लैरिटी होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इस टीवी में आपको काफ़ी अच्छा क्लैरिटी भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे इस एलईडी में लगभग 8 मिलियन पिक्सल्स लगे हुए हैं, तो इन पिक्सल्स को कंट्रोल करने और आपको प्रिसाइज कलर आउटपुट देने के लिए इस टीवी में लगा हुआ है क्वांटम प्रोसेसर लाइट। क्वांटम प्रोसेसर लाइट आपको प्रिसाइज कलर देने के साथ साथ आपके नॉर्मल कंटेंट को भी अपस्केल करके दिखाता है। मान लीजिए अगर आपके पास एचडी या फुल एचडी कंटेंट है तो प्रोसेसर उसको अपस्केल करके 4K में दिखाता है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। कि आपके मन में तो होगा कि 4K एलईडी टीवी ले लेंगे तो 4K कंटेंट कहाँ से लेंगे, तो फ्यूचर उसके लिए बहुत काम आता है। बाकी गाइज, आगे 4K कंटेंट आपके नॉर्मल डेली यूसेज में भी आ जाएगा। तो गाइज, अगर आप इस एलईडी को गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो इसमें दिया हुआ रियल गेम इनहांसर, जो कि फास्ट मूविंग सीन्स में ब्लरिंग को कम करके आपको काफ़ी अच्छा मोशन क्लैरिटी देता है। इसमें एमडी फ्री सिंक है, जो कि टियरिंग और स्टटरिंग को कम करके आपको काफ़ी अच्छा सिंक्रोनाइज साउंड देता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल में लेके जाता है। एलईडी टीवी का रिफ्रेश रेट 60Hz का है, तो अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं तो आप ऊपर के मॉडल में भी जा सकते हैं। तो गाइस, ओवरऑल इस एलईडी टीवी के पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। वैसे तो QLED अपने पिक्चर क्वालिटी के जाने ही जाता है, इसमें आपको काफी विविड कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इस एलईडी टीवी का पिक्चर इतना क्लियर है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने में चल रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं इसमें पहाड़ वाला सीन लगाया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सही में पहाड़ में हूं। तो गाइस, ओवरऑल इसके पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, ये एलईडी टीवी Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। Tizen एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। Samsung ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफी समय से यूज कर रहा है। Samsung ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कुछ फोन्स में भी ट्राई किया था। तो गाइस, अगर मैं इसके यूजर इंटरफेस की बात करूं तो Samsung ने इसे काफी पर्सनलाइज्ड और यूजर फ्रेंडली बनाया है। और गाइस, इस यूजर इंटरफेस का हार्ट है स्मार्ट हब टूल, आप नीचे में देख सकते हैं। बार टाइप के शेप में आपको अलग अलग एप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसका खास बात यह है कि आप जब किसी भी ऐप के ऊपर जाएंगे तो उससे रिलेटेड और ट्रेंडिंग वीडियोस ये दिखा देगा। Netflix के जो अच्छे शोज हैं वो आपको दिखा देगा आपसे रिलेटेड, और यहाँ प्राइम वीडियोस के भी दिखा देगा आपका। और इस फीचर का खास बात यह है कि आपको हर ऐप के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स को ये दिखा देगा। ये बेसिकली आपके सर्च पैटर्न और आपके इंटरेस्ट के चीज को इसमें रिकमेंड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है गाइज। आपको हर एक ऐप के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तो मुझे इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ईजी टू यूज़ है। और अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको फ्री मूवीज दिखा दे रहा है। ये कोई भी ऐप के थ्रू नहीं दिखा रहा है, ये आपके बिहेवियर और सर्च हिस्ट्री के हिसाब से दिखा रहा है, जैसे कि आप कौन से मूवीज़ को ज़्यादा देखते हैं। Netflix में भी आपको शोज दिखा देगा, यहाँ अलग अलग आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दिखा देगा। और गाइस, अगर हम नीचे आए तो इतना कस्टमाइज्ड है कि आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से भी अलग अलग कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पर्सनलाइज्ड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएंगे जो मेरे इंटरेस्ट को मैच करते हैं। तो चलिए गाइस, वापस चलते हैं स्मार्ट हब बार की तरफ। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका स्मार्ट हब बार। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, जिससे कि आप अलग अलग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोर्स का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने अलग अलग सोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कोई भी ऐप को, जैसे आपको कुछ सर्च करना है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ आपको अलग अलग ऐप्स भी देखने के लिए जाएंगे, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस, ये Tizen ऐप स्टोर है, जो कि काफ़ी कुछ प्ले स्टोर से मैच करता है। इसमें आप अपने मनपसंद ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि Tizen का अगर अपन एलईडी टीवी ले रहे हैं तो उसमें ऐप्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको कुछ ऐप सर्च करके बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मेरे को न्यूज़ चैनल देखना है तो मैं आज तक डाउनलोड कर सकता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐप्स के बारे में। आपको वाइड वैरायटी के ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे तो गाइस, इस एलईडी में बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन इसमें एक खास ऐप है जिसका नाम है स्मार्टथिंग्स ऐप। स्मार्टथिंग्स ऐप एक AI एनेबल्ड ऐप है, जिसके थ्रू आप अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट AC है, स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, तो आप इस ऐप के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्टथिंग्स ऐप आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके थ्रू अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू
आप अपने टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप अपने ऐप के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं स्मार्ट थिंग ऐप को डाउनलोड कर चुका हूं, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, तो जिस अकाउंट से आप अपने एलईडी टीवी को साइन इन किए हैं उसी अकाउंट से इस ऐप को आपको साइन इन करना पड़ेगा। और इस ऐप के थ्रू आप अपने घर के अलग अलग स्मार्ट अप्लायंसेस को इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में तो कोई स्मार्ट अप्लायंसेस नहीं है, तो मैं इस एलईडी टीवी को ही आपको कंट्रोल करके बताता हूं। यहां पे आपको इस एलईडी टीवी कंट्रोल करने के लिए ये व्हाइट कलर का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस ये एलईडी टीवी कनेक्टेड है, तो यहां आपको एलईडी टीवी का मॉडल नंबर दिख रहा है, तो यहां सामने से ही आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एलईडी टीवी को। और यहाँ बाजू से आपको पता चल जाता है कि आपका एलईडी टीवी चालू है कि नहीं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और ऑफिस में आप काम करते हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने टाइम आपका एलईडी टीवी चल रहा है या फिर चालू है या बंद है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए अंदर चलते हैं इसी ऐप के। तो अगर हम इसके अंदर जाएं तो आपके ऊपर में रिमोट का ऑप्शन देखने को मिल जाए। यहाँ पे आपको सब ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको रिमोट में मिलते हैं। तो अपन वापस आते हैं। इस रिमोट के थ्रू आप यहाँ वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूट का बटन भी ऊपर दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इस ऐप के थ्रू आप अपने एलईडी टीवी का सोर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ नीचे एमएन मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। एमएन मोड बेसिकली आपके एलईडी टीवी को शोकेस में बदल देता है। तो गाइस चलिए एमएन मोड को कंट्रोल करके देखते हैं। यहाँ कुछ आर्ट वर्क्स लगा के दिखाता हूँ मैं आप। तो गाइस ये आर्ट वर्क लग चुका है। और गाइस इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप अपने बैकग्राउंड को इससे स्कैन कर सकते हैं और अपने एलईडी टीवी में बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं अपने वॉल का। करके बता यहाँ से आपको सीधा इसमें स्कैन करके क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसा मेरी दीवार का बैकग्राउंड था वैसा ही इस एलईडी टीवी में आ गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है और ये पता ही नहीं चलता कि एलईडी टीवी यहाँ लगा हुआ है। एमएन मोड में एक और खास बात ये है कि ये आपके घर के ब्राइटनेस के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लाइटिंग को ऑब्जर्व करके अपना खुद का ब्राइटनेस कम कर लेता है। स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू अपने टीवी को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और ये काफी यूजफुल ऐप भी है। तो गाइस मैं अपने मोबाइल को इस एलईडी टीवी में स्क्रीन मिरर के थ्रू कनेक्ट कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मल्टीव्यू का ऑप्शन आ गया है। इसके थ्रू आप अपने एलईडी टीवी में अलग अलग कंटेंट एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि एक मोबाइल हो गया, एक टीवी का शो हो गया। तो काफी अच्छा इसमें अलग अलग सेटिंग भी दिया हुआ है। अलग अलग आप सेटिंग के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है तो आप उसको छोटा साइज भी कर सकते हैं किनारे में। और मल्टीव्यू के थ्रू आप अपने साउंड आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस एक एलईडी टीवी बिना साउंड के तो अधूरा होता है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका साउंड। अगर मैं इसके साउंड की बात करूं तो आपको काफ़ी क्लियर साउंड देखने के लिए मिल जाता है। मैं लाउडनेस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लाउडनेस इसका ओके ही है। तो गाइस अगर आप इतना महंगा एलईडी टीवी ले रहे हैं तो मैं आपको तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक साउंड बार लगाएं या फिर आप सराउंड साउंड के साथ जाएं। सराउंड साउंड विद दिस पिक्चर क्वालिटी विल नेल इट गाइस। तो गाइस अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो ये क्यूएलई टीवी 1,10,000 रुपए का है, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और अगर हम इस एलईडी टीवी के सबसे अच्छे चीज़ की बात करें तो वो है इसके पिक्चर्स का कलर। ये एलईडी टीवी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी से बैक्ड है, जो कि आपको देता है 100% कलर वॉल्यूम। और इस एलईडी टीवी में आपको 7000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इस एलईडी टीवी को एक अलग रेंज में लेके जाता है। और अगर हम इसके साउंड की बात करें तो इसमें आपको ओके साउंड देखने के लिए मिल जाता है, इसका साउंड काफ़ी क्लियर आता है। और इस एलईडी टीवी में आपको स्मार्ट थिंग ऐप का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस एलईडी टीवी का इंटरफेस काफी अच्छा है, इसमें आपको टाइजन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस एलईडी टीवी में आपको एंड्रॉइड का कमी कहीं नहीं लगेगा, इसका यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और कस्टमाइजेबल है। और इस एलईडी टीवी में आपको सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस टीवी में आपको 2-way ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अगर हम इसके कुछ इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसके इंटरफेस में थोड़ा लैग आता है, ऐप्स खुलने में भी कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप 1,10,000 रुपए का एलईडी टीवी लेते हैं तो आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर हम इस एलईडी टीवी की बात करें तो 1,10,000 रुपए में काफी अच्छा डील है। मैं इस एलईडी टीवी को आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।